हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। दोस्तों, आज हम लोग डेटा इंटरप्रिटेशन जो पूछा गया आपका एसबीआई क्लर्क में, इसको हम लोग यहां पर सॉल्व करेंगे। क्वेश्चंस का नेचर आपको समझना है, बाकी जो आपकी प्रैक्टिस है वो यहां पर काम आएगी, क्योंकि क्वेश्चंस जो है एक्सट्रीम क्वांट में इजी लेवल के ही आ रहे हैं। ओके, तो यहां पर हम लोग इस डीआई को समझ लेते हैं एक बार नेचर वाइज। ये 23 जून को पूछा गया ये क्वेश्चन है फर्स्ट शिफ्ट में। तो सबसे पहले यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, सेंट्रल एंगल के ऊपर एक क्वेश्चन पूछा रहा है। तो देखो, सेंट्रल एंगल से बिल्कुल घबराना मत, जिनको कुछ नहीं आता वो भी यहाँ पर देख लें। सीधे से बात ये देखेंगे, आपको ये दिया हुआ है क्या पाई चार्ट, इस पाई चार्ट के अंदर आपको क्या है परसेंटेज दिए हैं। ओके, जैसे दिया है ए बी सी डी ई और एफ, ठीक है। अब इनके परसेंटेज डिफरेंट डिफरेंट दिए हैं, जैसे यहाँ पर दिया है आपको 18%, यहाँ पर दिया आपको 12%, ठीक है, यहाँ पर आपको दिया है 30%। तो इस तरीके से हम लोग इन चीज़ों को यहाँ पर देख सकते हैं, ये हमें परसेंटेज केवल केवल दिया गया है। ओके, अब हमसे क्वेश्चन एग्जामिनर में पूछ रहा है, कोई हमें यहाँ पर दिया है कि 36%। तो अब हमसे एग्जामिनर जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो कह रहा है कि आप एफ का सेंट्रल एंगल निकाल के दिखाओ। ओके, तो ये कैसे निकालना है, बड़ा आसान है। देखो, ये जो परसेंटेज हैं, अगर आप इन सबको जोड़ते हो तो ये अपने आप में क्या आता है, 100% आता है। ओके, अब अगर मैं किसी भी पाई चार्ट या सर्किल की बात करूं, तो यहां पर आपको ये देखना चाहिए कि जब आप रोटेट करते हो, ये 90 डिग्री, फिर ये 90, ठीक है, फिर ये 90 डिग्री, फिर ये 90। तो अगर मैं कहूं एक पूरा चक्र अगर लगाया जाएगा तो ये कितना होगा, 360 डिग्री होगा। तो अगर मैं इस पूरे रोटेशन की बात करूं तो कितना होगा, 360 डिग्री हो जाएगा। तो ये जो 100% है ये किसके बराबर हो गए, ये हो गए 360 डिग्री के बराबर। तो यहाँ से 1% की वैल्यू निकालो, वो कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 360 बटे 100। तो इसको सॉल्व करोगे ये कितना आ जाएगा, 18/5, ठीक है। तो देखो, 1% किसके बराबर है, 18/5 के। और आपसे अगर एफ के बारे में पूछा जाए कि एफ का सेंट्रल एंगल निकालो, तो ये है 36%। तो आप 36 की वैल्यू पूछी जा रही, तो आप 36 की इसमें मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो यहां पर आप ये देख लेना जो वैल्यू कटने वाली होगी कुछ इस फॉर्मेट में। तो देखो, ये तो नहीं कट रहा है, वैसे आपको एग्जाम में 35 दिया होगा जो वैल्यू कटने वाली होगी, ठीक है। नहीं कटेगी तो डेसिमल में आएगा, उसकी टेंशन मत लेना। अगर हम यहां पर 35 मान लेते हैं तो ये 5 से 7 बार कट गया, और 18 × 7 ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, ये आपका आंसर इस फॉर्मेट में आ जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन अभी हम और यहाँ पर सॉल्व करते हैं। देखो, जो आज के एग्जाम में डीआई थी वो कुछ इस तरह की थी, टोटल इनरोल्ड स्टूडेंट ये डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट में, फिजिक्स ये है, हिंदी, मैथ्स, केमिस्ट्री और इंग्लिश, ये 5 सब्जेक्ट हैं। और इसका टोटल कितना दिया है, 5 जो इनरोल्ड स्टूडेंट्स हैं वो हैं 300। ओके, ये 2016 का डेटा दिया है। ओके, अब देखो पहला क्वेश्चन देखो, इसमें पूछ रहा है मैथमेटिक्स का आप सेंट्रल एंगल निकाल कर दिखाओ, मैथ्स का परसेंटेज कितना है, 15%। तो अभी देखो, ये टोटल अगर आप इन सबको जोड़ोगे तो ये आपका 100% है। देखो, 30 और 18 बार है, 30 और 30 60 हो गया, और 60 और 20 80 और 5 85%, 85 और 15 100। तो देखो, 100% की वैल्यू कितनी हो गई, 360 डिग्री में हो गई। 1% की वैल्यू निकालो तो कितना आ गया, ये आ गया 36/10, मतलब कि 18/5, ठीक है, 1% की वैल्यू डिग्री में आ गई। मुझे निकालना है मैथ्स का, मैथ्स का कितना दिया हुआ है, 15%। तो ये क्या हो जाएगा, 18/5 × 15, तो 5 से 3 बार गया, 18 × 3, ये आ गया 54% जो है ये आपका आंसर आ जाएगा। इतना समझ गए तो क्वेश्चन काफ़ी इजी बन जाएगा, अगर आपको ये डीआई समझ में आ गई। ओके, सेकंड वाला देखो, ये कुछ क्वेश्चन ऐसा आया था कि इन फिजिक्स, अगर फिजिक्स की बात की जा रही है और इसमें 5/18 जो इनरोल्ड स्टूडेंट हैं ये फेल्ड हो जाते हैं, तो आपको कैलकुलेट करना है पास्ड कैंडिडेट का। तो सीधी सी बात है, फिजिक्स में 30% हैं। ओके, तो आप ये देखेंगे कि 30% जो कैंडिडेट हैं ये जो हैं किसके हैं, 300 के हैं, तो 30% किसका हो गया, ये हो गया 300 का, तो ये आ गया 90, टोटल निकल के आ गया 90। अब 90 कैंडिडेट में 5/18 जो हैं ये हो जाएंगे फेल, तो 5/18 अगर फेल हो गए तो आप ये बताओ पास कितने हुए, पास के लिए 1 में से 5/18 को लेस कर दो, तो ये आपका आ गया 13/18, इतने क्या हो गए, इतने हो गए पास, और फेल कितने हो गए, ये हो गए। ओके, ये समझ गए। तो सीधी सी बात है कि जब 5/18 फेल हो गए तो पास हुए 13/18, तो 90 का 13/18 निकाल दो, ठीक है। तो ये कितने बार, 5 बार गया, 5 × 13 ये हो गया 65। तो देखो, 65 तो हो गए पास, और फेल कितने हो गए, अगर हम इसका ये 5/18 निकालते तो कितने बार जाता, 18 से ये जाता 5 बार, 5 × 5 25, तो 25 हो गए फेल, ठीक है। पास कितने हो गए, ये हो गए 65, और फेल हो गए कितने, 25। आपसे पास पूछ रहा था, ठीक है, और फेल का आपको दिया होता ये आपको फ्रैक्शन, ठीक है। तो देखो, एक चीज़ का ये ध्यान आप रखना है कि अगर कभी भी
आपको एक ही मानना है, टोटल आपकी चीज हुई एक, और अगर इसमें मैं कह दूं कि 5/18 हो गए फेल, तो इसका मतलब क्या हुआ, एक में से 5/18 हटा दो तो यह आया कितना, 13/18। अब 13/18 हो गए पास, जब आप इन दोनों को जोड़ोगे तो आपका एक ही बनेगा, 5/18 प्लस 13/18 1 बन जाएगा। इतना आ गया समझ में। चलो थर्ड वाला क्वेश्चन एक बार और देख लो। इसमें लिखा है अगर हिंदी में जो रेशियो दिया है मेल और फीमेल कैंडिडेट का वो है 2:7। देखो हिंदी का परसेंटेज देख लो कितना है, हिंदी का परसेंटेज है 18। देखो 18% है और इसमें मेल और फीमेल की बात की जा रही है, ये रेशियो हमें दिया है 2:7, ऐसा कुछ कुछ क्वेश्चन था, ठीक है। तो देखो इसमें इंडिविजुअल निकाल लो परसेंटेज, दोनों को जोड़ोगे ये आ गया 9:9। 9:9 की वैल्यू कितनी है, 18 हो गई। 1:9 की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। तो यहाँ से दो जो रेशियो है, 1:9 की वैल्यू 2% आ गई, ठीक है। तो 2:9 कितना हो जाएगा, 2×2 4% ही हो गया, और ये 7×2 14, ये 14% हो गया। तो देखो 14% और 4% कुछ इस फॉर्मेट में ये 18% का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा मेल और फीमेल में। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कैलकुलेट करो मेल की संख्या। देखो मेल का रेशियो है 4%, तो देखो 4% निकालना है किसका, ये निकालना है 300 का, तो ये कितना आ गया, ये आपका आ गया 12, ठीक है। 1% 3, तो 4% 12, सीधा सीधा आ गया कि मेल हो गए 12, और अगर मैं फीमेल की बात करूं तो ये 14% है, ये हो गए कितने 42, और अगर आप 18% निकालोगे 300 का तो ये आएगा 54। अब क्रॉस चेक कर लो, ये देखो 12 और 42, ये हो गया 54, ठीक है। इतना आ गया समझ में। चलो थोड़ा सा आगे एक फोर्थ वाला क्वेश्चन और देख लेते हैं। देखो इस क्वेश्चन नंबर फोर्थ में क्या लिखा है कि अगर 2017 में, ये क्वेश्चन ध्यान से देखना, ये जो डेटा है आपको ये 2016 का मुझे दिया हुआ है। अब क्या करना है कि 2017 के डेटा की बात की जा रही है, लिखा है अगर 2017 में दो जो 20% इंक्रीमेंट है वो हुआ किस पर, फिजिक्स पर, फिजिक्स के एनरोल्ड कैंडिडेट पर, तो आप टोटल फाइंड करके दिखाओ कितना नंबर 2017 का हो जाएगा। मतलब 2016 में जो फिजिक्स का डेटा 30% दिया है, अब जब 2017 का आप ग्राफ बनाओगे तो इसमें 20% का क्या है, इंक्रीमेंट है, 20% बढ़कर आ रहे हैं। तो देखो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि अगर कभी भी 20% का इंक्रीमेंट होगा तो कितना हो जाएगा, 120% हो जाएगा। तो डायरेक्टली आप 1.2 से मल्टीप्लाई भी कर दोगे तब भी आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो ये जो 30% है ये 2016 में है, और 2017 में 20% इंक्रीज होकर आएगा, तो 2017 का निकालेंगे कैसे, ये लिखोगे 30% और इसकी मल्टीप्लाई किससे कर दो, 1.2 से कर दो, ये कितना आ गया, 12×36 360 आ गया, एक अंक के बाद दशमलव लगा दो, मतलब कि 36% किस में आ गया, ये आ गया आपका 2017 में, ओके। अब मुझे नंबर पूछ रहा है तो इस 300 पर ही तो ये हुआ है सब कुछ, तो इसका 300 पर निकाल दो, तो 1% 3 हुआ, तो 36 का कितना होगा, 36×3, तो ये हो गया आपका 108, ठीक है। 108 जो है ये 2017 में संख्या हो जाएगी अगर फिजिक्स में 20% का इंक्रीमेंट 2017 में हो रहा है इन कंपेयर टू 2016, ओके। इतना समझ में आ गया, ऐसा क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम में पूछा गया था। अब ये DI बहुत लोग कहेंगे सर बिल्कुल आसान DI है, तो मैं यही कहूँगा आपके एग्ज़ाम में दोस्तों आसान DI ही पूछे जाते हैं प्रीलिम्स लेवल पर। तो मेरा ये मानना है कि अगर आपको बेसिक फंडामेंटल कंसेप्ट आते हैं, अब जैसे देखो इसमें सेंट्रल एंगल वाला क्वेश्चन था, जिसको निकालना आता है उसको +1 मार्क्स मिलेगा वरना नहीं मिल पाएगा, ओके। अब जिसको जैसे ये वाली ट्रिक मैंने बताई कि 5/18 फेल हो गए तो पास कितने हो गए, 13/18 पास हो गए, ये कैसे निकाला, 1-5/18 करके, तो ये भी हम क्वेश्चन जो है 30 सेकंड से कम में कर रहे हैं। तो मतलब ये कहा जाए कि 5 DI के जो क्वेश्चंस हैं ये आपके 5 मिनट में एग्जाम्स में बन जाने चाहिए, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। एक आपको मैं और चीज़ यहाँ पर बताना ये चाहूँगा कि जो रेशियो वाले क्वेश्चन हैं ये आपके 2 क्वेश्चन एक्चुअली पूछे गए वहाँ पर, रेशियो में 2 बेस थे। अब जैसे इसमें मुझे सब्जेक्ट्स के वो दिए हुए हैं, तो डायरेक्टली अगर आपसे कुछ इस फॉर्मेट में क्वेश्चन दोस्तों पूछ लिया जाए कि आप निकाल के दिखाओ इंग्लिश और मैथमेटिक्स का रेशियो कितना होगा, देखो इंग्लिश 25 है, मैथ्स कितना है 15 है, तो इंग्लिश था हमारा 25 और मैथ्स है 15, ठीक है। तो 15 और 25 का रेशियो निकाल दो, ये आ गया 5:3, ठीक है, रेशियो ये निकल गया। अब अगर कभी भी आपसे ये चीज़ पूछी जाए तो आपको इसी फॉर्मेट में निकालनी है, क्योंकि दोनों के लिए ये 300 तो कॉमन थे ना, तो कभी भी इस पर पहले परसेंटेज निकाल कर फिर काटापिटी मत करना, डायरेक्टली आपका जो परसेंटेज दिया है आप इसको मिनिमाइज करके क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व कर सकते हो। तो ये तरीका आपको एग्जाम में अपनाना है और पेशेंस रखना है, ऐसे क्वेश्चन बनाओ। और मेरा ये कहना है कि आप मैथ्स में अच्छा स्कोर कर सकते हो, मैथ पर जो 20 मिनट मिलेंगे इसमें आप सिंप्लीफिकेशन, क्वाड्रेटिक, ऐसे DI के क्वेश्चन अगर आपने कर लिए तो 20 नंबर तो आपको इजिली यहाँ से मिल जाएंगे, ओके।
ओके तो अगले शिफ्ट में हम लोग जो है डीआई के अलावा और भी क्वेश्चन जो पूछे गए हैं इनको यहाँ पर बनाएंगे। आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक करके अपना सहयोग दें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको शेयर जरूर करें। आपके एग्ज़ाम के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ऐसे क्वेश्चन सेट हम लोग और लाते रहेंगे। हमारे साथ बने रहें। ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट एग्जामिनेशन। थैंक यू। हैव अ गुड डे।